ग्वालियर शहर के उपनगर मुरार थाना क्षेत्र में एक युवती को गोली मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोली मारने वाला और कोई नहीं बल्कि रिश्ते में उसका जीजा है, जिसने दूसरे व्यक्ति से बात करते देख अचानक गोली चला दी जो युवती के कंधे में लगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जीजा की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार नेहा बैजल कोठी के पास स्थित एक MP ऑनलाइन के ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी वहाँ उसका जीजा सुरेंद्र सिंह आ गया। सुरेंद्र से युवती नेहा की थोड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। इसके बाद अचानक सुरेंद्र ने कमर में खुरसा देसी तमंचा निकाल लिया और फायर करने की कोशिश करने लगा। युवती नेहा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच तमंचा चल गया और गोली उसके कंधे के नीचे हिस्से में जा लगी। गोली चलते ही वहां अफरा तफरी मच गई। फिलहाल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी जीजा की तलाश शुरू कर दी है। एक पंजाब नेशनल बैंक है अपना, जो बैजल कोठी रोड पर पड़ता है, वो पंजाब नेशनल बैंक के पास एक MP ऑनलाइन की दुकान है, जिसमें यह बच्ची बैठी हुई थी। इसका यह आरोप है कि इसके जीजा ने पीछे से कट्टे से गोली चलाई है जो इसके कंधे के नीचे लगी है। अभी पीड़िता को जिला चिकित्सालय मुरार में इलाज के लिए भेज दिया गया है। आरोपी की तलाश में टीमें भेज दी हैं यहाँ से। क्या वजह बता रही है, क्या कारण था? ऐसा कोई कारण तो अभी प्रथम दृष्टया पीड़िता नहीं बता रही है, लेकिन उसको चूँकि गोली लगी थी तो विस्तृत जानकारी और अभी उनके परिजनों से पूछताछ करके पता कर ली। क्या कारण किया? हाँ, प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जा रहा है और आरोपी की तलाश के लिए टीम रवाना कर रही है।